बहनों का स्वागत करता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे को बुलाया हम सभी को। और मैं शुरुआत करता हूं अपने अपने अमृतलाल सर से। वो उनसे अच्छा योग टीचर मैंने आज तक नहीं देखा, जैसे वे अपनी बातों को दूसरों को बताते हैं और सभी को सिखलाते हैं कि हमको अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए। मैं उसके बाद चतुर्वेदी सर का नाम लेना चाहता हूँ कि उनका केमिस्ट्री का आज तक हम लोगों को कभी रिएक्शन समझ में नहीं आया। वो कहाँ से शुरू करते थे और कहाँ से ख़त्म करते थे आज तक पहले नहीं पढ़ा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनसे योग टीचर कोई भी नहीं है। उसके बाद विजय सर फिजिक्स पढ़ाते थे, आओ बेटा, और वो हमेशा कहते थे कि बच्चों हरो, हम लोगों को बहुत दिनों तक याद रहेगा। हमारे सामने अमृतलाल सर आ रहे हैं। अब हिंदी में कहीं भी कुछ भी पूछना हो, अमृतलाल सर हमेशा बताया करते थे और बोला करते थे कि बेटा हरो, बस आगे जाना और स्कूल का और अपना सभी का नाम रोशन करना। उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा सना सर के बारे में। वो इंग्लिश पढ़ाते हैं लेकिन वो इंग्लिश के साथ सभी सब्जेक्टों का ज्ञान रखते हैं और बताते हैं कि तुम लोग का ऐसा आगे करना चाहिए। हमारे बीच नहीं है महेश सर, मतलब कि पीछे बैठे हैं, वो दिख रहे हैं हमको। महेश सर संस्कृत क्या कहूँ उनके बारे में, उस्ताद में लगते जब मैं कम से कम 6 साल का था तब से वो मुझे पढ़ा रहे हैं। उनका लगता है कि जैसे अभी भी उनका जैसा पेट है, पहले भी ऐसा था और अभी भी ऐसा है और रहेंगे भी, लगता है ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। और मैं बोलना चाहता हूँ हमारे बीच नहीं है बीडी सर, उन्होंने हमको मैथ पढ़ाया, उससे अच्छा मैथ का टीचर शायद ही मेरे ख्याल से लगता है कि इस पूरे रामपुर ब्लॉक में दिखेगा। और मैं कहना चाहता हूँ अंकिता मैम के बारे में क्या कहूँगा। अब वो हम लोग को क्लास में तो मतलब मैम की तरह ट्रीट करती हैं, भले भी मैं मैथ कहूँ। एक बार में क्या हुआ कि ऐसे कोई मतलब कि पानी गिर रहा था मैं बहुत तेज से, तो क्या हुआ कि खूब तेज पानी आया तो मैथ क्लास उस दिन बंक हो गई और मैं क्लास में आया तो मैम ऐसे कुछ सवाल पूछ रही थी तो मैंने कुछ गलत बोल दिया था। फिर उसके बाद मैम ने मेरे को सर के पास ले गई, उन्होंने बोला कि तुम्हारी गलती थी तो मैं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे मैम से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी और मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं सर के सामने मैम के पैर छुआ था और मैम से वादा किया था कि मैम आज के बाद मेरे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा क्योंकि जिससे आपको दुख पहुँचे। और मैं उसके बाद मैम ने मेरे से बोला सामने से आके, मैं कुछ दिन मैम से नहीं बोला था क्योंकि मुझे लगा कि मैम से ना बोलूँगा शायद कुछ ना होगा, मतलब कि कोई भी आर्ग्यूमेंट ना होगा। उसके बाद मैम ने आई और मेरे को बोला कि तुम मेरे से बोल क्यों नहीं रहे हो, तो मैंने बोला मैम शायद मैं बोला मैं सोचा कि आपसे मैं ना बोलूँगा तो कुछ नहीं होगा, मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। लेकिन मैम ने बोला कि तुम मेरे से बोलो और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैम का और मेरा जो भी मतलब कि रिलेशन बहुत अच्छा रहा, उन्होंने मुझे सभी तरह से गाइड किया, करियर के बारे में बताया, पढ़ाई के बारे में हमेशा फोर्स किया और बोला कि तुम कभी टेंशन नहीं लो, तुमको मतलब कुछ नहीं होगा, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान करो और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो। उसके बाद बोलना चाहता हूँ अपने सभी फ्रेंड्स जैसे कि रजनी सबसे एक चला गया आया था, हर्षित, रिजवान, पुनीत और ओम बैठा हुआ है, आर्यन है और भी जो पीछे लोग बैठे हैं, ज्ञानेंद्र लोग, जो भी नीतीश लोग हैं, प्रतीक पांडे भी जो टोपी लगाए बैठा है वो लोग गया है सर को देख के कि सर कहीं उसको बुला न ले। लेकिन ये सब दोस्त को बहुत याद करूँगा, शायद ही हम लोग सर इसके बाद हम लोग साथ में पढ़े। और अपने जो बहनों को बोलना चाहता हूँ, शिल्पी हो गई, सुहानी हो गई और भी है, आचल आचल द्विवेदी समा और भी है, मतलब कि और डिम्पी की टू वो लोग नहीं आई, मैं उनको बहुत याद करता हूँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हमेशा मेरे को भाइयों की तरह सपोर्ट किया है और कहा है कि प्लीज तुम पढ़ो और आगे बढ़ो। इसके बाद मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ और अपने सर का, अपने सभी गुरुजनों का और स्कूल का नाम रोशन करूँ।